सभी बच्चे ध्यान दें, आज हम चोक कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से दृष्ट धारा को नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, उसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करने के लिए हम चोक कॉइल का प्रयोग करते हैं। अभी क्वेश्चन उठता है कि चोक कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं। चोक कॉइल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि चोक कॉइल के द्वारा धारा कंट्रोल होती है, परंतु उसमें पावर लॉस या पावर कंजम्पशन लगभग जीरो होता है। तो इस तरह से कंट्रोल भी हो जाती है और पावर लॉस नहीं होता है, क्योंकि चोक कुंडली एक उच्च कोटि का इंडक्टर या प्रेरकत्व होता है। अब ये किस प्रकार से काम करता है ये हम आपको समझाएंगे। सभी बच्चे चोक के बारे में, ये वही चोक कुंडली है जो पहले ट्यूबलाइट को जलाने के लिए एक चौको डिब्बा सा लगता था और उसके द्वारा ट्यूबलाइट के अंदर बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल किया जाता था। अब ये कैसे काम करती है, इसकी रचना क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर मैंने चोक कॉइल का एक चित्र बनाया है। चोक कॉइल वास्तव में एक तांबे के तार की बनी हुई उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली होती है, यानी इसका इंडक्टेंस बहुत हाई होता है, जिसके कारण पावर लॉस लगभग नगण्य होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। यानी बनावट क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान दें, चोक कॉइल में एक लोहे का लैमिनेटेड या पृथक्कृत कोर होता है, या क्रोड जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर तांबे का इंसुलेटेड वायर से बनी हुई एक कुंडली लपेट दी जाती है। जहां आप ये देख रहे हैं, ये कॉपर कॉइल है जो लोहे के क्रोड के ऊपर लपेटी गई है। बस इतना सा इसका कंस्ट्रक्शन है। ध्यान रहे, तांबे का तार इस प्रकार से लिया जाता है कि उसका प्रतिरोध बहुत कम हो, और जितना प्रतिरोध कम होगा उतना ही ये शुद्ध प्रेरकत्व होगा, और शुद्ध प्रेरकत्व होगा तो पावर लॉस नगण्य हो जाएगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, यहाँ पर ये कॉपर की कॉइल है जो लैमिनेटेड कोर के ऊपर लपेटी गई है, यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा लगाई गई है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा चलेगी। ये बल्ब लगा हुआ है जिसके अंदर हम धारा का कंट्रोल करेंगे, यही इसमें दर्शाया गया है। तो सभी बच्चे अब इसको कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। चोक कॉइल एक तांबे के तार की बनी हुई उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली होती है, जिसको लोहे के लेमिनेटेड या पृथक्कृत कोर के ऊपर लपेटकर बनाया जाता है। बस इतनी सरल सी कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद अब इसमें हम आते हैं कि इसमें किस तरह से पावर लॉस या पावर का कंजम्पशन होता है। तो सबसे पहले यहां पर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द चोक कॉइल यहां पर पी बार इज इक्वल टू, ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। बेटा सभी लोग ध्यान दें, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट एंड cos phi इज द पावर फैक्टर। यहां ध्यान दीजिए, हियर cos phi इज द पावर फैक्टर ऑफ AC, पावर फैक्टर, इसको हिंदी में शक्तिमान कहते हैं, ऑफ AC। अब ध्यान दें, एंड cos phi इज इक्वल टू होता है R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
एल स्क्वायर या ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये पावर फैक्टर का इक्वेशन है या पावर फैक्टर का व्यंजक है। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस एंड एल इज द इंडक्टेंस, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। अब बेटा ये ध्यान दीजिए, इन द चोक क्वाइल आर इज नेग्लिजिबल। बेटा समझ लो, चोक क्वाइल में आर इतना कम होता है कि उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और जब आर नेग्लिजिबल होगा देन cos phi इज इक्वल टू cos phi by 2 approx। यानी लगभग cos phi by 2 के बराबर होता है, एंड cos pi by 2 is equal to 0। इसका मतलब यहां पर जब का पावर फैक्टर का मान 0 होगा, therefore due to the high inductance, inductance and negligible resistance average power dissipated in the choke coil will be, इधर ध्यान दें, P bar is equal to Vrms into Irms into cos yeah into 0, यहां cos pi by 2 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब सभी बच्चे ध्यान दें, ये approx 0 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड approx हम इसलिए यूज करते हैं, जीरो भी हो सकता है, जीरो से थोड़ा अधिक हो सकता है, यानी बहुत कम होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पावर लॉस इसमें बिल्कुल नगण्य है या जीरो है, और इसके द्वारा हम एसी को कंट्रोल कर देते हैं। तो अब ये तो हुआ कि इसको क्यों प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर एसी की सर्जिंग होती है, एसी की वोल्टेज बहुत ज्यादा घटते बढ़ते हैं, वहां पर हम चोक क्वाइल का उपयोग कर लेते हैं, और इस क्वाइल के द्वारा एसी कंट्रोल हो जाती है और शक्ति का नुकसान या पावर लॉस बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। तो अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हम एसी में चोक क्वाइल का उपयोग क्यों करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम और आपको बता दें, ये जो कॉपर क्वाइल्स हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, या चोक क्वाइल कई टाइप के होते हैं। एक तो फिक्स्ड होते हैं, जिनका इंडक्टेंस फिक्स्ड होता है, और ये सामान्यतः साधारण उपकरणों में लगते हैं। कहीं कहीं पर धारा की कंट्रोलिंग हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। ऐसे जो चोक क्वाइल होते हैं वो वेरिएबल चोक क्वाइल होते हैं। वेरिएबल चोक क्वाइल का मतलब होता है हम
जितना इंडक्टेंस चाहते हैं उतना इंडक्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे क्वाइलों का उपयोग या ऐसे चोक क्वाइल का उपयोग रेडियो और टेलीविजन के सर्किट कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि चोक क्वाइल क्या है और इसमें पावर लॉस शून्य या नगण्य क्यों होता है।